स्वच्छादिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालांबुदोऽङ्गं कटितट विलसत् चारुपीताम्बराड्यं वंदे प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग नया अध्याय शुरू करेंगे, उन्माद प्रतिषेध, उन्माद रोग जो रहता है, आप लोगों ने देखा होगा पागलपन का बीमारी रहता है, बहुत सारे लोग पागल रहते हैं, तो उसका चिकित्सा अष्टांग हृदय में क्या बताया। सभी ने चरक संहिता तो पढ़ के एग्जाम में सब लोगों ने पास किया है, BMS का डिग्री लिया है, लेकिन अष्टांग हृदय का पढ़ना बहुत अच्छा है और बहुत ईजी है। ये चिकित्सा है, ये जो भी चिकित्सा का मेथड्स बताए बहुत ही इजी है। तो और महाराष्ट्र में पुणे में और केरल में ज्यादातर वाग्भट की ही चिकित्सा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो और केरल में तो लोगों को ये सारा अष्टांग हृदय याद रहता है। तो मैं आप लोगों में से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई आके ये पढ़ना शुरू करिए, प्लीज अनम्यूट करिए और शुरू करिए। षष्ठो अध्याय कौन पढ़ना चाहेगा? हाँ सर पढ़िए सर। षष्ठो अध्याय अथात उन्माद प्रतिषेधम व्याख्याश्यामे इतिहास्माहु आत्रे आदयो महर्षे है। अब इसके आगे उन्माद प्रतिषेध अध्याय का व्याख्यान करेंगे जैसा कि आत्रे आदि महर्षि ने कहा था। बहुत बढ़िया पढ़े सर, थैंक यू। अभी इसका टीका पढ़ दीजिए, षष्ठो अध्याय भूत प्रतिषेधे ऐसे। भूत प्रतिषेध अनंतरम उन्माद अपस्माद प्रतिषेध उच्यते चिकित्सा सामान्यतः तत्रापि अपस्मार उन्मादस्य पूर्वम उपन्यासो बहु वक्तव्यम इत्यादि क्या है। मतलब अर्थात उन्माद प्रतिषेधम व्याख्याश्यामे जी, अभी भूत प्रतिषेध के बाद इसके पहले वाला अध्याय था कि भूत प्रेत आते हैं तो क्या क्या चिकित्सा करना चाहिए, उसके बाद में उन्माद अपस्मार का प्रतिषेध मतलब चिकित्सा, प्रतिषेध मतलब चिकित्सा कह रहे हैं, चिकित्सा सामान्य उसकी सामान्य चिकित्सा बोल रहे हैं। तत्र अपि अपस्मार उन्मादस्य, जब उनमें भी अपस्मार उन्माद में सबसे पहले हम लोग उन्माद के बारे में ही कहेंगे, क्योंकि ये बहुवक्तत्वादित्यः बार बार हमें उन्माद उन्माद के बारे में ज्यादा बात किया जाता है, इसलिए उसका कह रहे हैं। इसके बाद में ये एक लाइन पढ़िए, उन्मादस्य प्रतिषेध उन्मादस्य प्रतिषेध चिकित्सित भणिष्याम, मतलब उन्माद की जो प्रतिषेध, मतलब प्रतिषेध का मतलब है चिकित्सा, ये हम लोग कहने वाले हैं। आगे का जो श्लोक है ये पढ़ दीजिए। कल हम 5 तक पढ़े थे। पढ़ो। अच्छा हम पढ़े थे क्या? हाँ ये पढ़ाऊँ आगे भी सर। हाँ अच्छा सॉरी सॉरी, वो ध्यान में नहीं आया, गैप हो जाते हैं ना तो बहुत सारा गड़बड़ हो जाता। 5वें श्लोक तक पढ़ाऊँ आगे भी छठवां। चलिए तो ये हम किसी और से पढ़ाते हैं, संथा देके पढ़ना है तो विनीता चौहान मैम आप संथा देके पढ़ सकती हैं, या वीना मैम, दोनों का एक जैसे ही नाम है, आप संथा देके पढ़ सकती हैं। पढ़ रही है क्या?
विनीता चौहान मैम आप पढ़ेंगी, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे क्योंकि जी मैं सभी लेख। प्रणाम, प्रणाम सभी लोगों को। एक मिनट रुक जाइए, 5 श्लोक तक हो गया था। हाँ चलिए, आप लोग को ये स्क्रीन पे मैंने क्लियर वाला ला दिया। सब लोग अनम्यूट करिए, हरिहर सर सब लोग अनम्यूट करिए, आप लोग मैम के पीछे पीछे बोलिए। चलिए पढ़िए। तत्र वातात् कृशांगता, तत्र तत्र वातात् कृशांगता, कृशांगता, अस्थाने रोदन क्रोश हसित स्मित नर्तनम्, अस्थाने रोदना क्रोश हसित स्मित नर्तनम्, गीत वादाति अत्र वागं अंग विक्षेप, गीतवादादि वेणु वीणादि शब्दानुकरणं मुहु, आश्चात् फेनागमो अज श्रमटनं बहुभाषिता, अलंकारो अनल अंकारे अयाने गमन मनोद्यमा, ऋद्रिवायेषु तलाभे चावमानता, उत्पिंडिता अरुण छित्त्वा जीर्णे चान्ये गदोद्भवः, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, प्राउड ऑफ यू ऑल। कितना अच्छा, सावन के महीने में सब लोग इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। तो इसका हम लोग टीका हिंदी वाला पढ़ते हैं, हिंदी वाला पढ़िए मैम, जी बिना सही। विनीता मैम। वातिक उन्माद में वात के कारण अंगों में कृशता, बिना स्थान के रोना चिल्लाना हंसना मुस्कुराना नाचना गाना बजाना अंगों को चलाना तोड़ना उद्धतता से बार बार बांस वीणा आदि के शब्द की नकल करना मुख से झा गाना निरंतर घूमना बहुत बोलना बिना भूषण की वस्तुओं से शरीर को अलंकृत करना सवारी के अयोग्य वस्तुओं से जाने के लिए यत्न करना खाने की वस्तुओं में लोलुपता उनके मिलने पर तिरस्कार आंखों को बाहर निकालना और लाल होना अन्न के जीर्ण होने पर रोग की वृद्धि होती है ये लक्षण वातजन्य उन्माद के हैं असामना उच्च इति चक्र असामना अद्यतेन इति अरुणदतः हाँ, तो ये जब वातिक उन्माद होता है ना तो इसमें बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, व्याकुलता होती है। इंसान का जो मन है, जैसे वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है तो उसके संज्ञा व स्रोत में अवरोध है और वो पागल हो गया है, तो वो वायु की वजह से क्रुश होगा, अंगों में क्रुशता रहेगी, बिना स्थान के वो रोएगा चिल्लाएगा, बिना कोई मतलब के हंसेगा, जोर जोर से हंसेगा, मुस्कुराएगा, डांस करेगा, नाचेगा, गाएगा, बजाएगा और अंगों को चलाएगा, तोड़ेगा, उद्धतता से बार बार बांस वीणा आदि के शब्दों की नकल करेगा, सिटियां मारेगा, कुछ तो अजीब तरह का करेगा, एंजॉय करेगा, कभी मुंह से झाग आएगा, निरंतर घूमते रहेगा, बहुत ज्यादा इरेलीवेंट टॉकिंग करेगा, बिना भूषण की वस्तुओं से शरीर को अलंकृत करेगा, जैसे जूतों की माला पहन लिया या कुछ अजीब अजीब तरह का, वो खुश रहेगा, एंजॉय करता है, सवारी के योग्य वस्तु से जाने के लिए यत्न करता है, गधे पे बैठ जाएगा, कहीं पर भी बैठ जाएगा कि मैं चल रहा हूं, मैं राजा हूं, खाने की वस्तुओं में लोलुपता रहेगा कि मुझे ये खाना है वो खाना है, और उन जब मिल जाएगा तो उसको फेंक देगा, आंखों को बाहर निकालेगा, लाल हो जाएगा, अन्न के जीर्णन पर रोग की वृद्धि हो जाती है, मतलब जब वो कटु अवस्था पाक होता है तो ये वातिक उन्माद बढ़ जाता है, कटु अवस्था में ये वातजन्य उन्माद के हैं। ये मैंने सारे पेशेंट देखे हैं वहां पागल खाने में देखे हैं, ऐसे ही रहते हैं। जैसे आप लोगों ने मूवी देखा होगा तेरे नाम, सलमान खान की मूवी थी,
तो उसमें सब पागल होते हैं, तो वैसे ऐसे ही रहते हैं सब। सच बात है ये। और सामना मतलब उच्च ही, ये चक्रपाणि जी बोल रहे हैं, और सामना मतलब औद्धत्यन, ये अरुणदत्त जी बोल रहे हैं। इसका टीका पढ़ते हैं। ये वीना मैम, विनीता मैम आप पढ़ेंगी, वातान मादे सती। जी सर। वाताद उन्माते सती कृशांगतादि लक्षण च जीर्णे च अन्ने गदो उद्भव इत्यंत अस्थाने अप्रसंगी रोदनादिनी असामनान औद्भय औदत्यन, औद्धत्येन पुनः पुनः वेणु वीणा आदि वाद्य शात अनुकरणम। इसका मतलब है कि वातज उन्माद में कृशांग अंग जो है वो कृश हो जाता है, आदि लक्षण होते हैं, और जब अन्न जीर्ण होता है तो उसकी व्याधि बढ़ जाती है, ये उन्होंने बताया अंत में। अस्थाने मतलब अप्रसंग में, जहां जरूरत नहीं वहां पे रोदन आदि करेगा, हंसेगा, डांस करेगा, कुछ भी करेगा। असामना मतलब औद्धत्यन, मतलब चक्रपाणि ने ऊपर चीज बताया, असामना मतलब नीचे की तरफ ही हो जाता है। पुनः पुनः वेणु वीणादि, वो कोई कोई वाद्यों को बनाएगा और वो बजाने का कोशिश करेगा, मुंह से बजाएगा, और या फिर कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है ऐसे वो दिखाएगा। अनुकरण मतलब वो दिखा रहा है वो चीजों को बजाते का। 10वां और 11वां नंबर का जो श्लोक है इसको संथा देके पढ़ना है, तो महाजन सर आप पढ़ेंगे प्लीज संथा देके। डॉक्टर वीएम महाजन सर आप पढ़िए, आपके प्रणाम सर, बाद फिर प्रणाम। सब लोग बोलेंगे। संथा देके पढ़िए प्लीज। टेंथ जी, थैंक हाँ 10th 11th। यू। पिता संत अर्जनम क्रोधो मुष्टि लोष्टाद्य भिद्रवः। बोलिए सब लोग। पिता शीताच्छाद छायोद उदक आकं आकांक्षा। चश्मा लगा लो सर, चश्मा अच्छा चश्मा लग गया है। नहीं हल्का सा नंबर है, कभी थोड़ा अटक जाता है। शीताच्छ उदक काक अंक्षा नगन त्वम पीत वर्णता। शीताच्छायोदकाकांक्षा असत्य ज्वलन ज्वाला तारकादि दीप दर्शनम। तो इसका हम लोग टीका पढ़ते हैं। पिता पिता दू एक मिनट रुक जाइए सर। पित्तजन्य उन्माद का हिंदी वाला आपको दिख रहा है तो आप पढ़िए, नहीं तो हाँ कोई जी, और। हाँ जी, दिख रहा दिख रहा दिख रहा। हाँ तो पढ़िए सर। पित्तजन्य अनुवाद में डराना क्रोध मुट्ठी बांधकर या ढेला हाथ में लेकर दौड़ना शीतल वस्तु छाया पानी की चाह नंगा रहना पीला वर्ग अग्नि ज्वाला तारे दीप आदि के ना होने पर भी उन्हें देखना भ्रांति होना ये पित्तोन्माद के लक्षण हैं। एक बार एक लड़की आई थी मेरे पास, वो मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा था ना, स्टार्टिंग था मेरा, तो एक लड़की आई थी, वो उसको लेके आए थे, मतलब उसके परिवार वाले लेके आए थे, और वो मुस्लिम थी। तो वो आई और वो बच्ची होगी कुछ 12-13 साल की थी, तो वो आई और मुझे देखते ही ना वो पहले तो बैठ गई, उसको बैठाया गया कि तुम बैठो, और मुझे क्या बोलती है कि डॉक्टर मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और उसकी आंखें एकदम लाल लाल थी, और इतना जोर से चिल्ला के बोली ना, पूरा ऐसे गली में सुनाई दिया, इतना ज्यादा उसको गुस्सा आ रहा था, और वो सच में पित्त उन्माद में थी। मैं डर गया था, अचानक ऐसे कैसे लड़की बोल रही है, उसको थोड़ा भी हंसी नहीं आ रहा था, इतना जैसे ये है ना वैसे ही वायलेंट बिहेवियर। उसने कुछ किया नहीं, मुझे परेशान नहीं किया, लेकिन इतना गुस्से में थी। तो ये होता है, क्रोध में रहते पेशेंट डराते हैं। और मैंने वो साइकेट्रिक वार्ड में भी देखा है कि
लोग ना वॉयलेंट बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, कभी हाथ पैर चला के मार भी सकते हैं डॉक्टर को, तो उनको बांध के रखना पड़ता है या फिर उनको नींद का दवाई देना पड़ता है। तो वो डराते हैं, क्रोध में रहते हैं, मुट्ठी बांध कर या ढीला हाथ में लेकर दौड़ते हैं, शीतल वस्तु या छाया पानी की चाह लेते हैं क्योंकि बॉडी में पित्त बढ़ा है उष्ण तीक्ष्ण गुण से, नंगा रहते हैं कभी कभी, पीला वर्ण अग्नि ज्वाला तारे दोष आदि के न होने पर भी उन्हें देखते हैं, उनको ऐसे हेलुसिनेशन होता है जो चीजें नहीं है लेकिन उनको लगता है कि आग जल रहा है, ज्वाला जल रही है, तारे हैं, दिया जल रहा है, मतलब उनको हेलुसिनेशन होता है। ये पित्तोन्माद के लक्षण होते हैं। ये सब सिजोफ्रेनिया में है, ऐसे कंडीशन है जो इस दुनिया में नहीं है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, उनको हर कोई से गुस्सा आता है। जी इसका टीका पढ़ दीजिए, पित्तानुद मादे। हाँ जी, पितानुमादे सति संतर्जन क्रोधाद्य स्यु असत्याना ज्वलनादिना दर्शनम। हाँ तो देखिए हमारे ये जो आचार्य हैं अरुणदत्त जी कितने इंटेलिजेंट हैं, उन्होंने बताया है कि पित्तानुमादे सती, पित्त उन्माद रहता है तो संतर्जन मतलब वो वॉयलेंट रहता है, यही चीज ऐसे ही सेम रहते हैं पेशेंट हमारे पास आते हैं। क्रोधादय स्यु, क्रोध जो आदि बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्रोध जो है ना, मैंने ऐसे एनालिसिस किया, मुझे सिखाया गया सेकेट्रिक लोगों ने कि ये क्रोध एक दिन का नहीं है, ये बचपन से अंदर ही अंदर क्रोध जो उसके माइंड में था वो पूरा निकला एक साथ उसको जब उन्माद हो गया। तो जैसे कि एक टीचर था वहां पे एडमिट था, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो वो उसका पता चला कि उसकी स्टेप मदर थी, स्टेप मदर ने उसको सौतेली माँ ने बहुत तकलीफ दिया था उसको, फिर उसके बाद में उसको कोई गर्लफ्रेंड मिली उसने उसको बहुत दुख दिया था, फिर उसके बाद में वो उसके शादी हुआ उसमें उसकी वाइफ ने उसको बहुत दुख दिया था, ऐसे एपिसोड हुए थे, तो अपना गुस्सा जो था वो निकाल नहीं पाता था। और वो प्रोफेसर थे कोई कॉलेज में, अचानक ही वो बच्चों को कोई छोटी सी बात से पीटने लगे, मारने पीटने लगे, तो बच्चों ने कंप्लेंट किया, तो पता चला कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, और फिर वो मतलब उनको एडमिट किया गया, वायलेंट बिहेवियर था, अचानक ही मारपीट करने लगे, उनका गुस्सा जो था ना वो निकलने लगा और वो अलग ही अवस्था में चले गए। ऐसे ही एक बार पुणे में ऐसे हुआ था, 2012 में हुआ था, 2012 में, एक एसटी ड्राइवर जो था, स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस का ड्राइवर होता है गवर्नमेंट का, उसने क्या किया कि अचानक ही बस को वो स्वार गेट से लेके और पूरा ऐसे ऐसे घुमाने लगा, अचानक ही घुमाने लगा और बहुत सारे लोग का एक्सीडेंट कर दिया, बहुत सारी गाड़ियां उड़ा दी, और ये न्यूज में आया था, ये पेपर में भी आया था, तो उसको फिर पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा, इतने लोगों का मर्डर किया था, कुछ 100-150 लोगों का मर्डर किया था, इतने सारे कार डैमेज किए थे उसने अचानक, पता चला कि वो भी ऐसे ही सिजोफ्रेनिया में गया था, और उसका हिस्ट्री पता चला, पेपर में आया था कि उसको गुस्सा आता था बचपन में, कोई कोई एपिसोड हुए थे जो गुस्सा व्यक्त नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद में वो फिर मेंटल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। ऐसा होता है, ये जो चीजें बताई है ना ये सब सच है। अब ये क्या है, ये पेशेंट को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, ये पागल है, लेकिन जो धार्मिक उन्माद में जैसे बांग्लादेश में हो रहा है कि अल्लाहू अकबर करके और हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, वो उन्माद नहीं है, वो जानबूझ के किया जा रहा है, वो मतलब वो उन्माद है लेकिन धार्मिक उन्माद है, लेकिन इंसान को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वहां पे मालूम है, वो अलग चीज है, लेकिन इसमें इंसान को पता नहीं चलता कि उसके हाथ से क्या गलती हो रहा है, वो क्यों एग्रेशन में, क्योंकि ये कुछ अलग। और यहाँ पे बोला असत्यानाम ज्वलाना दिनाम दर्शनम, असत्यानाम मतलब हेलुसिनेशन, हमारे आचार्य लोगों ने संस्कृत में लिखा है, जो चीज सच नहीं है, असत्य चीजें वो ज्वलन वगैरह कुछ आग वगैरह अंगार वगैरह उसको दिखाई देता है, ये सब हमारे आचार्यों ने अपने संस्कृत में लिखा है। चलिए इसके बाद का 12-13 नंबर का जो श्लोक है, वंदना मैडम जी आप प्रिंसिपल है हमारे आयुष दर्पण की, आप कृपया पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। क्यों जी बहन जी, पर ये संथा देकर पढ़ने में मुश्किल होगी मुझे, मैं पढ़ने ऐसे कोशिश बीच करूँ, में छर्दी तक मैं पढ़ूँ आइए, ऐसे कोई भाग नहीं सकता है, प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, आपको तो जी। पढ़ना है, आपके पीछे पीछे सब लोग करेंगे, आप भाग नहीं सकते। कफादर कफादरो चकश्चर्दि अल्पे आहार वाक्यता
पढ़िए सब हाँ कुछ। स्त्री कामता रह प्रीति लाला सिंगार का श्रुति। श्री कामता वे बच्चे हम शौच विद्वेषो निद्रा श्वतुरारणे। उन्मादो बलवान रात्रो भुक्त मात्रे च जायते। बलवान वीना मैम एक बार आप पढ़ दीजिए इसको। हाँ वीना मैम आप पढ़ दीजिए शुद्ध उच्चारण तो करके। हाँ हाँ एक्चुअली ये भी पढ़ दीजिए और वो पित्त वाला भी पढ़ दीजिए, तो हम लोग को थोड़ा सा संथा दे हाँ के पढ़ने चलिए का संथा प्रैक्टिस होएगा। दोनों पढ़ देखिए लीजिए मैम। पित्त वाले। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अच्छा हाँ परंपरा है कि संथा देके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं। वीना मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। पित्ता संतर्जनम क्रोधो मुष्ठिलोष्ठाद्यभिद्रवः। पित्ता सर्जनक्रोधो मुष्टिलोष्ठाद्यभिद्रवः। शीतच्छायोदकांक्षा नग्नत्वं पीतवर्णता। शीतच्छायोदकांक्षा नग्नत्वं पीतवर्णता। असत्यज्वलनज्वाला तारकादीपदर्शनम्। असत्य ज्वल ज्वाला तारका दीप अच्छा दर्शनम्। प्रभाद आरोचक शरदि अल्पे आहार वाक्यता। अल्पे हाहार हाहार है अल्प आहार वाक्यता। आहार कफोद रोचक शरदि अल्पे आहार वाक्यता। आहार नहीं है अल्पे हाहार हाहार अल्पे हाहार वाक्यता। आहार वाक्यता। पढ़िए आगे। श्री कामतार प्रीति बोलिए लाला सिंघाण कश्रुति। श्री श्री कामता रह प्रीति लाला सिंगार का श्रुति। श्रुति वैभत्स्यं शौच विद्वेषो निद्रा श्वयतुरानने। वैभत्स्यं शौच विद्वेषो निद्रा श्वतुरारणे। उन्मादो बलवान रात्रौ भुक्त मात्रे च जायते। उन्मादो उन्मादो बलवान बलवान रात्रौ रात्रौ भुक्त भुक्तमात्रे मात्रे च जायते। जायते। थैंक यू वीना मैम, बहुत अच्छा आपने पढ़ा और हम लोग को सविता सिखाया मैम भी, पढ़ना। वीना मैम का तो नेटवर्क चला गया, सविता मैम ने पढ़ा था। ठीक सविता मैम भी बिल्कुल वैसी पढ़ती, दोनों की आवाज भी एकदम एक सी है। हाँ हाँ नहीं और विनीता मैम नहीं आपको देखिए आरती मैम ने चैट बॉक्स में आशीर्वाद दिए है। अब विनीता मैम आपको हम सबकी ओर से बधाई। विनीता थैंक यू मैम मैम, थैंक यू मैम, प्रणाम और आपको मैम। आरती मैम ने कितना स्ट्रगल किया है, और आज आरती मैम भी एमडी कर रही हैं चंडीगढ़ से काय चिकित्सा में। आरती मैम आप दो शब्द बोल सकती हैं थैंक विनीता मैम को, आपका आशीर्वाद की जरूरत है विनीता मैम को। आरती यू मैम सर। जी सर बिल्कुल। हेलो जी मैम। हेलो। हाँ जी प्रणाम सर। प्रणाम मैम। मैम बहुत बहुत आपको बधाई हो, भगवान आपकी ये जो यात्रा है इसको और मंगलमय करे। सर की वजह से आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म से मैंने भी ये ज्वाइन किया और विद इन 1 ईयर मतलब एमडी के लिए सर ने इतना प्रोत्साहित किया कि मतलब मेरे जो फेवरेट सब्जेक्ट था आई गॉट एमडी इन दैट। भगवान आपकी भी इच्छा पूरी करे। और बहुत आभार सर का, जोशी सर का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। नहीं तो कभी सोचा ही नहीं था मैम कि एमडी करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, सारे टीचर्स जो इसमें ज्वाइंट है और भी जो डॉक्टर्स हैं टाइम टू टाइम जो गाइडेंस देते हैं। और आपको भी मैम बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी थैंक तीन यू चार मैम। लोगों को और करना है एमडी, एक दो डॉक्टर बन आप लोगों उनको। का भी मतलब सर लोगों का आशीर्वाद है और आप लोग भी इंस्पिरेशन हो मतलब कि कर हो सकता है, तो फिर आप लोगों से भी प्रेरणा मिली कि हाँ करना चाहिए। नहीं तो मैम सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं करूंगी। अब एग्जाम भी मैंने कभी नहीं दिया था, बस फर्स्ट टाइम ही दिया। मैम मैंने तो वो फॉर्म देखना भी छोड़ दिया था, मतलब ऐसा फॉर्म देखना ही छोड़ दिया था। सर ने ग्रुप में भेजा, सर ने ही क्लासेस ली,
और एक ऐसा इंस्पिरेशन अंदर से जागा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं मैम। मैम ये बहुत ही अच्छा मतलब हुआ लाइफ में, बड़ा अच्छी हैपनिंग थी जो आयुष दर्पण हमने ज्वाइन किया। मैंने तो मैम उसके बाद कभी भी मिस नहीं किया, मतलब इतना यहाँ पे नॉलेज है हर हर चीज में, और वर्ड टू वर्ड मैम जो सिखाया जाता है वो चीज एंट्रेंस में बहुत काम आती है। बहुत काम आती है जी मैम। एग्जैक्टली मतलब वो चीजें हमें मतलब शायद हम भूल चुके हैं इतनी इयर्स के गैप के बाद, बट जो रोज हम पढ़ते हैं रोज सुनते हैं और जैसे वो कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं तो उससे वो जो क्वेश्चंस रहते हैं एमसीक्यूज उसमें करने में बहुत हेल्प मिलती है। मतलब इतने साल के बाद भी अगर इंसान कर सकता है तो ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो मतलब मैं तो कहूंगी कि ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं जिसमें वर्ड टू वर्ड ऐसा ट्रांसलेशन रहता है। जी मैम। मैम संहिता पढ़ने का बहुत फायदा मिलता है क्योंकि संहिता से बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो फिर हम लोग पढ़ते हैं तो पता रहता है ना कि हाँ सर बताते रहते हैं ये टीका इनकी है, ये टीका ये है, और फिर डिस्कशन भी होता रहता है। कई बार तो मॉर्निंग सेशन में डिस्कशन होता है कि चरक में क्या बताया गया है, सुश्रुत में क्या बताया है, अष्टांग हृदय में, तो वो चीजें बहुत हेल्प करती है मैम। ऐसा मतलब कहीं होता नहीं है, और कि मतलब इतनी कंपेरेटिव स्टडी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हो और इतने सब लोग इतने नॉलेजेबल है ना कुछ सीखने को ही मिलता है। जी मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस बहुत बहुत। थैंक यू अभी मैम। आप लोग ने वंदना मैडम को इंस्पायर करिए, वंदना मैम करेंगी तो बहुत मजा आएगा और कर सकते हैं, वंदना मैम बहुत इंटेलिजेंट है। एक जी डॉक्टर सभी से हरिहर करती सर मैम है, तो इतना पढ़ती है, संहिता है इतना पढ़ती है, मैं तो सरप्राइज करती हूँ मैम शादी में भी जाती है तो संहिता लेके जाती। मैं हाँ सोचती हूँ कि कैसे मतलब कैसे कर लेती है मैम ये, वंदना ऐसे मैम ना को हो पढ़ने का कि बहुत शौक है, डांस का और पढ़ाई का बहुत ही शौक है, वंदना मैम कर सकती हैं। ठीक है ये हिंदी वाला पढ़ दीजिए। वंदना मैम आप कुछ बोली नहीं है, आपका आवाज इस बारे में आपका क्या व्यू है, आप करना चाहेंगी? करना तो चाहूंगी। वह जी मेरी मदर ने खुद बहुत, मेरी जब सिस्टर ने एमए किया तब मेरी मदर ने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया, फिर मेरी सिस्टर ने जब एलएलबी किया तो मेरी मदर ने एलएलबी किया, तो एज तो कुछ बार नहीं है, लेकिन देखती हूँ अगर मैं कर पाई तो। मैं आपका सिनॉप्सिस थेसिस मैं लिख दूंगा, आप बस एग्जाम दे के आइए और आप एडमिशन ले लीजिए। और आप बहुत इंटेलिजेंट है मैम, आपको पता नहीं है आपका नाम कितना है, और आप सच में इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू जी। ठीक है मैम, तो ये कफजन्य उन्माद वाला पढ़ना है। वीना मैम का शायद नेटवर्क चला गया, कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ देती हूँ उसे। हाँ पढ़िए मैम। कफजन्य उन्माद में कफ के कारण अरुचि वमन, थोड़ी चेष्टा, थोड़ा भोजन, थोड़ा बोलना, स्त्री कामता, एकांत में प्रीति, लाला और नाक से मैल का बहना, बीभत्सता, पवित्रता से द्वेष, निद्रा, मुख पर शोथ, रात्रि में और भोजन के तुरंत पीछे उन्माद बढ़ जाना, ये लक्षण होते हैं। तो कफ के वजह से अरुचि होता है, टेस्ट नहीं आ रहे, उल्टी आती है, थोड़ी चेष्टा करता है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि वो एक टक ऊपर देख रहे हैं, छत पे देख रहे हैं, ना हंस रहे ना कुछ है, अनहाइजीनिक रहते हैं, नहाते नहीं है, ब्रश नहीं करते हैं, ऐसी डिप्रेशन में रहते हैं। तो वो थोड़ा भोजन करते हैं, थोड़ा बोलते हैं, स्त्री कामता रहती है, एकांत में प्रीति रहती है, नाक से और लाला स्राव बहुत बहते रहते हैं, ये सब सच है, ऐसे ही होता है। विभत्सता, डेंजरस दिखते हैं बहुत ज्यादा, पवित्रता से द्वेष होता है, नींद बहुत आती है, मुख में स्वेलिंग होती है रात्रि में, और जब कफ का टाइम है भोजन के तुरंत पीछे, मधुर अवस्था पाक जब होता है तो तुरंत ये बढ़ जाता है। तो ये सच बात है, जो भी लिखा है सब सच है। इसकी टीका पढ़ के फिर विनीता मैम भगवान का प्रेयर करिएगा, ये हाँ पढ़ दीजिए कफान दोन मादे। हाँ जी सर। जी कफादुन्मादे सत्य रोचकादय स्यु तथा रात्रौ बलवान सद्यो भुक्ते च स्यात्। मतलब कफोजोन्माद मैम में बहुत बहुत बधाई आपको आरती मैम सविता ने, मैम आप कब करेंगी? आपका तो बहुत ही अच्छा पता पढ़ाई है, नहीं सर, आप पता ट्राई नहीं कीजिए। सर। अभी देखिए विनीता मैम ने गई एग्जाम दी और 82% लेके आई, इन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ टेंशन नहीं किया, मतलब पढ़ाई पहले से था लेकिन टेंशन लेके पढ़ाई नहीं किया और इनका हो गया। हाँ तो हाँ आपका भी इतना अच्छा पढ़ाई, आप ट्राई तो करिए, हो तो जाएगा। जी सर, देखती हूँ। आप आरती मैम ने सही कहा, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही इंस्पिरेशन है। आप और नवीन सर सब लोग बहुत इंस्पिरेशन करते हैं, पता बिल्कुल मैम नहीं। करिए। मेरे को भी पहले इतना हेजिटेशन लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन तो यहाँ पे इतना सब कुछ सीखने को मिलता है ना, तो चीजें अच्छी हो जाती हैं।
और सेल्फ रिस्पेक्ट मिलता वंदना है। मैम ने कहा एज नहीं रहता है, लेकिन पता नहीं अभी पढ़ाई हो पाएगी या नहीं। आप और पढ़ रही हैं इतना मैम, आप आप रोज मैम पढ़ पढ़ रही रही हैं। हैं, ऑलरेडी पढ़ रही हैं, सुबह सुबह संहिता पढ़ रही हैं, ये पढ़ाई ही है। लिखना नहीं चाहिए लेकिन एग्जाम की पढ़ाई, और एग्जाम अभी पता नहीं, देखती हूँ लेकिन। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हाँ, मैम सर जब जरूर यहाँ जरूर। पे बार बार करते हैं ना, जब वहां पे एमसीक्यू आते हैं, मतलब मैंने भी बहुत मतलब गैप के बाद दिया था, पर मैम जहाँ वहां पे एमसीक्यू आते हैं, पता नहीं हमें खुद ही आता होता है वो। यहाँ पे जो लर्न करते हैं ना, वो चीजें लर्न हो जाती है मैम अपने आप ना, जैसे चिकित्सा यस सूत्र, जैसे सुबह से ही शुरू हो जाता है, इस बुक में ऐसा यस लिखा है सर, ऐसा लिखा, और श्लोक जैसे मैम अपने आप ही माइंड में आ जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा, वो बस ये जो लेक्चर है बस ये अटेंड कर लो आप मैम, ये हो जाता है। यस और और सब अभी तक चीजें मैं रिकॉर्ड अटेंड है, करती करते हूँ, हैं अभी तक बार बार रिकॉर्ड है रिमाइंड करते जाते हैं लेकिन। सर कि कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, तो मैम वो जो इंस्पिरेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा किक रहता है। मैम संस्कृत की सबसे अच्छी बात ये होती है ना, वो भूलती नहीं है। अगर आपने एक बार याद कर लिया ना, तो वो हमेशा माइंड में रहती है, कभी आप उसको भूलते नहीं हो, चाहे वो कोई श्लोक हो चाहे कोई सेंटेंस हो ना, वो जी भूलता नहीं है। जी जी और मैम अभी तक बिल्कुल सर, रिकॉर्ड है कि जिसने भी एमडी का एंट्रेंस दिया हमारे आयुष दर्पण के, कोई फेल नहीं हुआ आज तक, सबने सभी पास हुए, रिकॉर्ड है अभी तक। और दूसरा बात है कि ऐसे ही नहीं कि हम केवल एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, एक तो मैडम थी मीना मैडम करके राजस्थान की, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया आयुष डिपार्टमेंट का, वहां का राजस्थान गवर्नमेंट का। और सभी लोग का प्रैक्टिस भी कितना अच्छा हो रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो रहा है, कितना अच्छा है ये सब, अच्छा हो रहा है। जी जी इसका ये मैं प्लेटफॉर्म अर्थ बताता तो हूँ। हम हाँ, लोग लकी है, हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, और बहुत लकी। वंदना मैडम जो है ना, ये बहुत ही मतलब हमें लॉकडाउन से, आप पूछिएगा, वंदना मैम ने बहुत सपोर्ट किया ये प्लेटफॉर्म के लिए, यस ये यस, हम लोग मतलब कितने सारे लोग एक दूसरे को देखे नहीं है, पर ऐसे मतलब जान गए। और ये बात वो कितने लेक्चर्स हुए उस समय, और जिस समय बिल्कुल मन से पढ़ने का मन था, और वो समय भी खूब मिल गया, और बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म था जिसमें, और इसमें से अब छोटे छोटे मशरूम प्लेटफॉर्म्स बन गए बहुत सारे, कुछ लोगों ने अपने अपने शुरू कर दिए लेक्चर्स, लेकिन ये पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पर संहिता का पठन और लेक्चर्स और गेस्ट लेक्चर्स साथ में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट 15th of August या टीचर्स डे या कुछ भी छोटे छोटे भी वो उस पर लेक्चर्स होना, चरक जयंती पर, सुश्रुत पर, बहुत सारी एक्टिविटीज होना, फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट्स देना, बहुत ही अलग प्लेटफॉर्म है और वास्ट है। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और सबसे ज्यादा लेक्चर्स हैं इसमें। जी, जी, और मुझे ये बताना है कि एक समय आरती मैडम प्रैक्टिस बहुत अच्छा करती थी, रिजल्ट भी देती थी, लेकिन इनको चुप करा दिया जाता था कि आपने एमडी नहीं किया है, आप कैसे बोल सकते हो ये टॉपिक पे। आज आरती मैम को कोई उंगली नहीं उठा सकता है, क्योंकि ये एमडी हो जाएंगी, ये बोलेंगे कि हाँ मेरा डिग्री है। ये एक रुतबा आता है एमडी करने का, तो आप लोग भी एमडी करिए, जो लोग नहीं किए हैं वो लोग करिए, कोशिश करिए, अच्छा हो जाएगा। जी जी सर, जी सर, जरूर। तो मैं ये श्लोक का अर्थ बता के फिर विनीता में मंत्र बोलेंगी, कफानुमादे सत अरोचकादि, मतलब यहाँ पे अरोचक आदि सिम्टम हो जाते हैं, रात्रि में बलवान हो जाता है कफज उन्माद, और खाना खाने के तुरंत बाद ये वेग बढ़ जाते हैं। चलिए विनीता मैम, आप भगवान का कुछ करिए, आप कुछ जी और जी बोलना चाहती हैं क्या, भावनाएं जी बहुत आ सर, रही है। जी सर, एक चीज पूछनी थी मुझे। मेरी एक पेशेंट है, मतलब उन्माद से रिलेटेड ही है वो। उसको ना सोते सोते पैनिक अटैक आते हैं, और शाम को 4 से 6 के बीच से स्टार्ट होते हैं, फिर सोते समय आते हैं उसको। तो उस पित्त उसको बहुत ज्यादा बनता है, अम्लपित्त, और सर आम की भी उसको दिक्कत है, तो उसको पित्तावृत आम करके ऐसे उन्माद। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मन की भी दुष्टि है और उसको ज्वर भी होगा, तो आप एक तो उनसे बात करिए, उनके मन में कौन सा दुख है जो सोते हुए अनकॉन्शियस माइंड से निकल जाता है, मतलब वो कुछ तो ऐसे दुख है जो वो व्यक्त नहीं कर पा रही है। वो बहुत सालों से एंटी साइकोटिक मेडिसिन खा रही थी, उसके बाद भी मतलब वो कहती थी कि मेरे को सारा दिन ड्राउजीनेस रहता है, सोती है। फिर जब से मतलब ट्रीटमेंट चला, इम्प्रूवमेंट तो है, वो मॉर्निंग में 6:30 उठ जाती है, वैसे 9:30-10 बजे से पहले उठ नहीं पाती थी, पूरे दिन लिथार्जी रहती थी, लेकिन वही ना पैनिक अटैक वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। एक तो सर आम है, अब अगर मैं तो पित्त आम शांत करती पाचन हूँ तो करिए आम ना, बढ़ जाता है। आम पाचन करिए ना, और सब मन पे काम करने वाली दवाइयां, आप पहले केश टिकिंग करिए फिर मैं बताऊंगा।
जी सर, मेरा बिल्कुल एमडी पीएचडी इसी टॉपिक पे हुआ है ना, मैं जी सर, बताऊंगा। जी चलिए सर, आप भगवान का प्रेयर करिए कुछ। जी सर। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धम् मृत्योर्मोक्षिमामृतम्। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धम् मोक्षिमामृतम्। ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनम् मृत्योर्मोक्षिमामृतम्। प्रणाम सभी लोगों को, सभी का दिन शुभ हो। अभी हम शाम को मिलेंगे 9 बजे रात को। थैंक यू प्रणाम सभी लोगों को।